गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज का व्लॉग काफी स्पेशल व्लॉग है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपनी लेसिक सर्जरी कराने। यस, यू हर्ड इट राइट, मैं फाइनली लेसिक सर्जरी करवा रही हूँ और मैं फाइनली ये चश्मा परमानेंटली उतरवाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक पूरा वीडियो बनाया जाए इसमें कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है पूरी लेसिक सर्जरी में। तो आई थॉट कि मैं आप सबको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊं। तो ये पूरा व्लॉग इसी चीज़ पे डेडिकेटेड है। और मेरा गला भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, बट कोई नहीं। तो मैं निकल पड़ी हूँ अभी पापा के साथ सर्जरी कराने, हम दोनों जा रहे हैं। और काफ़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि मेरे को बचपन से चश्मा लगा हुआ है और फाइनली ये चश्मा उतर जाएगा। तो थोड़ा वियर्ड तो लगेगा यार स्टार्टिंग में, बट देखते हैं कैसा रहता है। तो एंड तक देखना पूरा व्लॉग क्योंकि अभी मैं थोड़ा आपको हॉस्पिटल के क्लिप्स दिखाऊंगी, वो तो पूरा आई डोंट थिंक मैं कवर कर पाऊंगी, बट जितना मैं कर पाऊंगी मैं इतना डाल दूंगी इसमें। बाकी पोस्ट सर्जरी मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगी एक जगह बैठ के कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा और कैसा था सब कुछ। तो एंड तक देखना ये व्लॉग, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो और मेरे पुराने सारे वीडियोस भी देख लो तब तक, जब तक मैं आपको ये पूरा एक्सपीरियंस नरेट करती हूँ। ठीक है, तो आज है 8th of August और ये वीडियो आई थिंक नेक्स्ट वीक में ही आएगा क्योंकि मैं नेक्स्ट 4-5 days तो बिल्कुल स्क्रीन पे काम नहीं कर पाऊंगी, तो एडिटिंग मैं उसके बाद ही करने बैठूंगी। तो देखते हैं मैं कब वीडियो डालूंगी, बट स्टे ट्यून, पूरा ब्लॉग एंड तक देखना। सी यू। तो यार फाइनली हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और ये है हॉस्पिटल। और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी कॉन्टूरा विजन, वो दिख रहा है आपको, कॉन्टूरा विजन सर्जरी होनी है। तो मेरी कॉन्टूरा विजन सर्जरी होनी है और थोड़े बहुत प्री रिक्विजिट्स ये थे कि फेस पे कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, कोई ज्वेलरी इयररिंग्स कुछ नहीं पहने होने चाहिए, तो वो सब मैं उतार के आ गई हूँ। और बाल धुले होने चाहिए, मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाना चाहिए और कोई फ्रेग्रेंस परफ्यूम कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी देख लो मैं नॉर्मल टी शर्ट जीन्स और चप्पल में आई हूँ क्योंकि मेरे को एकदम रिलैक्स मूड में रहना था। ठीक है, अब अंदर चल के देखते हैं कि क्या सीन होता है और कॉन्टूरा विजन लेसिक होगा मेरा। अभी 11 बज रहे हैं, फिर देखते हैं कि क्या प्रोसीजर रहता है। तो अभी हमें वेटिंग पे वेटिंग पे बिठाया हुआ है, देखते हैं। पापा थोड़ी नर्वसनेस तो हो ही रही है, मेरे को चश्मे में देख लो एकदम। मैं सोच रही हूँ वैसे मैं अपने 0 नंबर का तो लेंस लगवा ही लूँगी क्योंकि बिना चश्मे के अजीब सा लगेगा मुझे। कुछ दिनों तक तो दिक्कत होगी, अजीब सा क्या, बहुत दिक्कत लगेगी। बहुत दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना। नहीं तो बिना चश्मे के भी तो रहती हूँ मैं, ऐसे कोई बोल नहीं है दिक्कत की बात। नंबर तो दूर का ही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और नंबर भी ठीक है मतलब। बाकी ये अभी हम वेटिंग एरिया में बैठे हैं, अभी हमें बुलाएंगे फिर देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर होता है। पूरा 5-6 घंटे लगने वाले हैं पूरे दिन में, तो देखते हैं कैसा रहता है। स्ट्रक्चरली तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी ऑल सेट? यस। ठीक, चलो सारे इंस्ट्रक्शन दे देना। 2 hours later तो गाइस फाइनली मेरी हो गई है सर्जरी डन, देख लो। अभी 1 hour तक मेरे को आईज क्लोज करके रखना है और काफ़ी इजी और बढ़िया एक्सपीरियंस था, मतलब मज़ा टाइप आया और काफ़ी सही था। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सारा डिटेल में कि कैसा था पूरा एक्सपीरियंस। अभी मेरे को रिलैक्स करने को बोला है और थोड़ी देर में जब मैं थोड़ा आँख खोल पाऊँगी तब मैं आपसे फिर मिलती हूँ और फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि कैसा था। तो
गाइस मैं अभी हूँ हॉस्पिटल से बाहर और मेरी आँखें अभी भी बंद है और मेरे को ये चश्मे, मैंने अभी अपने आप को शीशे में देखा तो मुझे पता है कि मैं बहुत फनी लग रही हूँ, आई नो, बट ठीक है, अभी बहुत इरिटेशन हो रही है आँखों में और काफ़ी एक एक घंटे बाद मेरे को आई ड्रॉप्स डाली है और अभी पानी भी बहुत आ रहा है तो ये प्रिकॉशन रहेगा। बट सबसे बढ़िया बात, डॉक्टर ने मेरे से लाइन्स पढ़वाई, 8 लाइन है और सबसे छोटी वाली लाइन भी मैंने पढ़ दी बिना चश्मे के, इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, अभी काफ़ी सारा प्रिकॉशन रखना है, एटलीस्ट 1 वीक तक तो काफ़ी ज़्यादा है, फिर 3 मंथ्स के आई ड्रॉप्स चलेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ घर और घर में मम्मी और दादी सबको सरप्राइज दूंगी और उनको दिखाऊंगी कि देखो अब मैं बिना चश्मे के भी देख सकती हूँ। ठीक है, अभी तो यही है, फिर घर पहुँचते हैं, फिर मैं आज तो पूरा दिन रेस्ट करूँगी, इसके बाद मैं शायद अभी वीडियो ना बनाऊँ, मे बी मैं थोड़ा रिकवरी के बाद ही प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी अच्छे से बैठ के। ठीक है, तब तक के लिए वेट करना थोड़ा, तब तक अपनी सारे क्वेरीज, अगर आपको कुछ भी लेसिक से रिलेटेड पूछना है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो जल्दी से, मैं सारे आंसर्स आपको दूंगी। ठीक है, अब जल्दी से घर पहुंचते हैं और अभी मेरे को आंखों में बहुत इरिटेशन हो रही है तो मेरे से आंख नहीं खुली जा रही। बाय बाय।